भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। दरअसल आपको बता दें कि मैच एक समय फंसा हुआ था, लेकिन इस फंसे हुए मैच में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से यहां पर 3 विकेट से इस मुकाबले को जीता। एक समय जब भारत के बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हुए थे, उस समय लग रहा था कि यहां पर टीम इंडिया जो है वो शायद इस मुकाबले को हार जाएगी, लेकिन इस मुकाबले को जिताया अश्विन और श्रेयस अय्यर ने। लेकिन इस मुकाबले में मैच के तीसरे दिन भी कुछ ऐसा घटा जिसने सभी को काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जब आउट होकर पवेलियन लौटे 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर, तो उसके बाद उनका कैच लेने वाले मोमिनुल हक ने उन्हें काफी कमेंट किया, लेकिन उसके बाद विराट कोहली खासे नाराज नजर आए और वो मोमिनुल से जा भिड़े। मामला इतना ज्यादा गर्म हो गया कि खुद कप्तान शाकिब हसन को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा और विराट कोहली से उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। बड़ी बात यह है कि इस पूरे वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद अब लग रहा है कि विराट कोहली अगले दौरे पर बांग्लादेश खिलाफ और खतरनाक प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मोमिनुल हक और बाकी खिलाड़ियों को हम जानते हैं बांग्लादेश के, जब ऐसा होता है कि सामने वाली टीम को दबाते हैं तो फिर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। शायद यही वजह रही कि वो बार बार बड़े मुकाबले हार जाते। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मोमिनुल क्या अपनी गलतियों से सीखेंगे या नहीं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।